हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना गेमर डार्क प्रिंस। तो जो मेरी स्काई ब्लॉक की सीरीज थी ना गाइस, मैं सोच रहा हूं मैं उसको भी यहीं रोक देता हूं, क्योंकि हम पहले माइनक्राफ्ट की सीरीज कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट या फिर स्टार्ट करते हैं, बीच में स्काई ब्लॉक की भी कर दूंगा। तो यहां पर मैं मैप टेस्ट में क्या है, स्टोन पिकैक्स और एक एक्स है वुडन की। और हाँ गाइस, आप मेरे को कमेंट में बता भी सकते हो कि मैं और कौन कौन से गेम ट्राई करूं, जो सिर्फ एंड्रॉयड में हो, ठीक है, मेरे पास पीसी नहीं है। और हाँ गाइस, ये पहला वॉइस ओवर गेम प्ले है, तो थोड़ा सपोर्ट करना। आपको बस कमेंट में लिखना है कि आपको वॉइस ओवर अच्छा लगता है या फिर वो टैक्स वगैरह वाला लगता है। बाकी हम थोड़े और स्टिक वगैरह बनाते हैं। अरे वो एंडर क्या नाम है इसका, हाँ एंडरमैन आया कहाँ से, इसको मारूंगा मैं, इसको तो मारूंगा। मर जा। अरे ये खुद ही पानी से डैमेज ले रहा है। एक हिट। अरे हिट क्यों नहीं हो रहा, अब हो रहा है। अरे यार मार रहा है ये तो, भागो। एक हिट। एक और हिट। बस दो हिट का काम है। अरे तो मेरे को बहुत डैमेज दे रहा है। अरे मरा। शिट, भागो। अरे दिए जा रहा है डैमेज, कहाँ है। अरे यार, अरे मैं चेस्ट के पास ही। सारी लूट मिल गई हमें हमारी, नीचे झुका के चढ़ना पड़ेगा सिर्फ। एक मिनट, हमारी स्टोन पिकैक्स कहाँ है? स्टोन पिकैक्स कहाँ पर है? अरे कहाँ गिरा दी? सही रही। तो मैं सोच रहा था गाइस, घर हमारा कहाँ पर बनाना सही होगा, ये पहाड़ के ऊपर सही होगा क्या? पहले चेस्ट तोड़ लेता हूँ, सही तो होगा, देखते हैं। तो गाइस बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट कर दिया है, कुछ 3x कर दिया मैंने उसको बिल्कुल। ऊपर एक मशरूम भी दिखा था मेरे को, उसको ही तोड़ने चलते हैं। और हमें थोड़ी वुड्स भी चाहिए होगी घर बनाने के लिए, ज़्यादा ही फास्ट हो गया ये। यहाँ पर एक मशरूम तोड़ के देखते हैं। हाँ हमें तो मशरूम मिलेंगे ना, मेरे को लगा ब्लॉक भी मिल जाएंगे। टाइम वेस्ट ही है, कुछ ज़्यादा मिल ही नहीं रहा। 3-4 ब्लॉक तोड़ो जब जाके एक मशरूम मिलता है। और ये क्या जंगल बायोम में आ गए हम? नहीं वो शिप, अब तो नहीं बचेगी। गई। हमें गाय को भी मारना पड़ेगा क्योंकि हमें फूड की भी ज़रूरत है थोड़ी बहुत। सॉरी पर यार, अबे मेरे को लगा मैं यहाँ पर ब्लॉक है और मैं उसके ऊपर कूद गया। अबे बच्चा भाई मेरे को, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी वुड तोड़ लेते हैं, हमें बहुत ज़रूरत है वुड की। और 2 शिप्स की और ज़रूरत है जिससे हमें गोल्ड मिलेगी। गाइस मुझे माइनक्राफ्ट की भी टिप्स वगैरह दिया करो, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये बनाओ वैसे बनाओ वगैरह वगैरह, कि मुझे बहुत ज़रूरत है माइनक्राफ्ट सीखने की। तो ऐसा ही लग रहा है अपन जंगल बायोम में आ गए। जाने तो जैसे भी नहीं जाना अभी, जंगल एक नॉर्मल सी जगह चाहिए। अरे यहाँ पर कोल भी है, स्टोन पिकैक्स निकालो, बहुत सारा कोल है। 1, 2, 3, 4 बहुत टाइम लग रहा है यार गाइस,
पर आगे जाके नहीं लगेगा जब हमारे पास डायमंड की पिकैक्स होगी, वो भी एफिशिएंसी 5 के साथ। यहाँ पर अंदर और कोल है, टॉर्च बहुत सारी हो जाएंगी अब अपने पास। अब चलते हैं इस गुफा से बाहर, और रात भी होने ही वाली है शायद। होने ही वाली है गाइस, ये तो पूरी शाम ही हो गई। अरे मैंने तो बेड ही नहीं बनाया, मेरे को रात को वहीं पर सरवाइव करना पड़ेगा। शिट यार, तो मेरे को यही कोबलस्टोन तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अंदर बैठे बैठे थोड़े कोबलस्टोन ही तोड़ लूँ। पर तो ग्रेवल ही है सारी, कोबलस्टोन तो है ही नहीं। अरे यार मेरे को बाहर भी जाने में इतना टाइम लगेगा, रात तो ऐसे ही हो जाएगी। बस 5-6 तोड़ने मेरे को, ताकि मैं फर्नेस बना सकूं, ताकि हम कोल बना सकें। फर्नेस में वुड डालो और नीचे प्लैंक डालो तो कोल बन जाएगा। अब स्पाइडर ऊपर ही था, अगर मैं 1 सेकंड और रुकता ना, स्पाइडर सही में मेरे को अंदर ही आ जाता और फिर कुछ गलती हो जाता। यहाँ बहुत अंधेरा है, एक फर्नेस बनाते हैं। फर्नेस कुछ दिख ही नहीं रहा यार गाइस। अरे मेरे पास पहले से ही कॉल पड़ा था। अरे हाँ, मैं इतनी आसान चीज़ कैसे बोल सकता हूँ, पहले से ही कोल पड़ा था और मैंने अभी भी लगा दिया। अब होने दो, इतनी मेहनत करी मैंने फर्नेस बनाने में। बनाओ टॉर्च, और क्या 40 टॉर्च बन गई हमारी। और कुछ ब्लैंक्स वगैरह जो हमारे घर बनाने में काम आएंगे। मैं सोच रहा था हम पहाड़ के उस साइड जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा खुला एरिया होगा। मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर एकदम खुला एरिया और साइड में ट्रीज हो। जहाँ पर हम पहले थे वहाँ पर तो हर जगह ही ट्रीज ट्रीज। एक चेस्ट भी बनाने का सोच रहा था, पर घर जाके ही बनाऊँगा। तो गाइस इस जगह पे तो बहुत ही बोर होने वाले हैं हम, जब तक सुबह नहीं हो जाती माइनक्राफ्ट की। और हम कुछ स्टिक वगैरह बना लेते हैं ताकि हम हमारे घर में यूज़ कर सकें। और ये चारकोल बन गया है, 64 टॉर्चेस, बढ़िया। 56 और है, 52 ब्लैंक्स हो गए हैं। और यार कुछ दिख ही नहीं रहा यार, अब लगाओ टॉर्च। अब हम कुछ और बना लेते हैं, एक जॉर्ड, एक पिकैक्स। अबे इतने में काम हो गया? अबे और कोबलस्टोन चाहिए। और देखते हैं कितनी हुई रात। अरे अभी तो बहुत ही है, अभी तो बहुत टाइम बिताना है। जब तक हमारे पास बेड नहीं होता ना गाइस, हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर बेड हमें जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि शिप अभी तो मैंने ऊपर भी देखी थी शायद। तो गाइस रात भर मैंने यहाँ बिताई और मैंने कुछ ज़्यादा ही कोबलस्टोन भी तोड़ लिए। ये देखो 58 है। बीच का पार्ट मैंने काट दिया था क्योंकि वो बहुत ही बहुत लंबा हो गया था, तो हम ये भी तोड़ लेते हैं क्योंकि हम बहुत कंजूस हैं। चेस्ट को हम यहीं छोड़ देते हैं बाद में, परेशानी। अभी भी स्टोरेज कम है यार, एप्पल गिरा देते हैं। चलते हैं। यही आई थी ना, यही परेशान करने आई थी। रुक मैं देखो। अरे यार कहाँ नीचे गिर रहा है, इसको तो मारूंगा मैं। 1, 2, 3 हेडशॉट। इसने हमें 2 स्ट्रिंग दिए।
मिली गई शिप आखिरकार जाके, जैसे मेरे को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा पर मिल गई। इसको जंप करके मारना। सामने वाली जगह कुछ अच्छी लग रही है ना गाइस, थोड़ा खुला खुला है, पर ये पहाड़ वाली जगह है। एक बार ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, यहाँ से बढ़िया लगेगा। बढ़िया तो लग रहा है गाइस, थोड़ा बढ़िया है। तो वहां ऊपर जाने में भी टाइम लगेगा, मैं बीच में कट मार दूंगा। अब उधर वहां से टाइम लगता तो मैंने बीच में कट मार दिया। अब हम डायरेक्ट यहीं पर आ गए। अब अच्छी जंप हो जा। ओ इसे एकदम बढ़िया लैंडिंग। अगर एक ब्लॉक में मैं पीछे होता ना, मैं डायरेक्ट गिरता। एक बार इस पहाड़ के पीछे देखते ना, यहाँ पर भी सही एरिया। ओ गाइस वहाँ पर देखो, वहाँ पर बहुत खुला एरिया। हम उसी साइड जाएंगे अब। वहाँ पर जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर भी सोच रहा हूँ कट मार दूँ। अरे डैमेज डैमेज, अरे यार मॉब्स क्या मारेंगे, मैं खुद गिर के मर जाऊंगा। और ये आगे वाली डाइव, और शुगर कैन, हमें इसकी भी बहुत ज़रूरत होगी। इससे हम बुक्स पेजेस बना सकते हो, पेजेस बुक्स वगैरह बुक्स। और ये एरिया थोड़ा बढ़िया है, यहाँ पर सनफ्लावर्स वगैरह हैं। इस एरिया में हम बना सकते हैं घर शायद। बढ़िया एरिया है ये, एरिया बहुत बढ़िया है गाइस ये एरिया। आगे की तरफ वुड्स भी हमें मिल जाएंगी, और इस तरफ हमारा घर होगा। बहुत बढ़िया, मैं सोच रहा हूँ हम यहीं पर घर बनाए। वुड्स वगैरह भी तोड़नी पड़ेगी थोड़ी घर। हमारे पास 56 ही है, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मैं सोच रहा हूँ मेरे को ये जंगल सैपलिंग मिली थी, मैं भी यहीं पर लगा देता हूँ इनको। ये बाद में उग जाएंगे, और ये ज़्यादा बड़े होते हैं नॉर्मल ट्रीज से, तो मैं बहुत अच्छी बूट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे मैंने अभी बूट प्लैंग तोड़े तो मेरे को मिले कि नहीं, एक मिनट, मेरी इन्वेंट्री में है ही नहीं। अरे वहीं रह गए अबे, मैंने दूर से तोड़े थे ना शायद। और ये हो गया हमारे पास 30। एक मिनट, मैं मेरे वुड प्लैंक्स वहीं, बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं मेरे वुड प्लैंक्स वहीं छोड़ के आ गया उस चेस्ट में। यार गाइस अब हम यहीं से शुरुआत करते हैं इसको बनाने की। और गाइस इसमें भी टाइम लगता है, तो मैंने इसको भी फास्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई थी वीडियो, कुछ 41 मिनट्स की। अब पता नहीं मैंने कितने की करी होगी। और करते करते मैंने कोबलस्टोन में ध्यान ही नहीं दिया, मेरे थोड़े कम ही थे, मैंने ज़्यादा माइनिंग ही नहीं करी, क्योंकि मैं आलसी हूँ। मैं बीच में छोड़ के ही चले गया था, फिर जब दिन हुआ जब मैं आया और कोबलस्टोन ख़त्म हो गए, फिर ख़त्म हो गए, तो मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगा, पहले मैं अपने सामान ही यहाँ रख दूँ। वैसे कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं रखने के लिए, मैंने दो चेस्ट पहले ही बनाई थी, वही थी। और फिर मैं थोड़ी और माइनिंग करी, और फिर मैंने उसको बनाया वगैरह वगैरह। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लंबा हो गया था। तो ये देखो गाइस कैसा लग रहा है ये, एकदम जंगल के ट्रीज इसको अलग ही लुक दे रहे हैं। और मैं उसको थोड़ा कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि एपिसोड बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं इसको अगले वीडियो में डाल दूंगा। लग रहा है ना बढ़िया। ओके तो गाइस आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, अलविदा। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, जिसमें हमारा घर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।